हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आज अपने इस ब्लॉग में आपको गांव को दिखाते हैं, क्योंकि इसके पहले जो ब्लॉग आपको हम दिखा रहे थे वो प्रयागराज इलाहाबाद की ब्लॉग थी, वहां हम रहते हैं तो वहीं से ब्लॉग बना रहे थे। बाकी कल हम गांव आ गए तो सोचे कि क्यों ना आपको अपने गाँव से रूबरू कराया जाए, तो अपने गाँव के क्षेत्र को दिखाया जाए, हाँ कैसा है कैसा नहीं है, और गांव की दिनचर्या, लोग यहां रहते कैसे, अपने खेती किसानी, लोग खेतों में कार्य कैसे करते हैं, तो यही आप सबको दिखाएंगे। और एक मेन बात आप लोगों से ये कहनी है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो, लाइक भी करते हो और कमेंट थोड़ा कम करते हैं, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तब ही हम आगे बढ़ेंगे, बाकी बिना आप लोग सपोर्ट के हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ऐसी ही वीडियो आप लोगों को बराबर देखने को मिलेगी। और तो चलिए हम अपने गांव के इस लोकेशन को दिखाते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घर का बाहर का वो है जहाँ हम लोग रहते हैं, वैसे भी घर तो अंदर है, तो हम लोग क्या है कि थोड़ा ये खेत है तो यहाँ फसल वगैरह लगाए गए हैं, तो इस कारण से यहाँ हम लोगों ने, यहाँ देखिए लाइट की भी व्यवस्था कर रखी है, लाइट जलाने के लिए। और इधर देखिए पीछे जो फैन रखा हुआ वो थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि दो दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है और क्या है कि बारिश भी नहीं हो रही है और हवा भी नहीं चल रहा है, तो फिर अब देखिए आज थोड़ा मौसम बन गया है बारिश का, अब बादल गरज रहे हैं, अब देखिए क्या बारिश होती है या फिर नहीं, देखते हैं, वो आगे चल के पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, झोपड़ी है, यहाँ से देखिए आप लोग, ये देख लीजिए, यहाँ कुछ सुविधाएं हैं, उतना नहीं है, फिर भी देखिए आप लोग देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन, और यहाँ ये पूरा सामने भी देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को धीरे धीरे दिखाते हैं, ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कद्दू है, कोहणा, हमारे स्थानीय भाषा में इसको कोहणा बोलते हैं, अब आप लोग इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारते हैं आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको कद्दू और कोहणा हमारे यहाँ तो इसी भाषा में लोग इसको बुलाते हैं और इसी नाम से भी जानते हैं। ये पूरा भी देख सकते हैं आप, ये पूरा टोटल जो खेती हुई है ये कद्दू की खेती है, अभी इसकी निराई गुड़ाई चल रही थी, अभी सुबह से हम इसको इसकी गुड़ाई कर रहे थे। देखिए पूरा खेत, वो जो उधर बैरियर नहीं लगा है बम्बू का, बांस का, तो वहाँ से लेकर के पूरा ये देखिए राउंड तक, जहाँ ईख है गन्ना, ये पूरा राउंड आप लोग देख सकते हैं, पूरा टोटल इस खेत की गुड़ाई हुई। ये आप लोग पीछे का भी लोकेशन देख सकते हैं, ये देखिए मेड़बंदी है, मेड़ है इसी की इस साइड वाला, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा कद्दू लगा हुआ है। वैसे बेसिकली ये ऐसे आप खाद्येतर फसल इसको बोल सकते हैं, नकदी फसल, क्योंकि ये खाने के लिए तो उतना बोया नहीं जाता, बाकी बेसिकली लोग बेचते हैं इसको, मार्केट में ले जाया जाता है, पास में ही मंडी है। और ये देखिए फसल, सब्जी की खेती हो रही है, वहाँ देख सकते हैं आप सब्जी लगी हुई है, ये मेरे खेत में आप देख सकते हैं, ये देखिए बैंगन लगा हुआ है इधर, और चलिए ये देखिए पपीता का वो पौधा है, देख सकते हैं आप लोग, ये दो पौधे यहाँ हैं, बाकी दो पौधे वहाँ दिख रहे होंगे आप लोगों को, चलिए दिखाते हैं। इसमें तो ये देख सकते हैं आप लोग, या इसमें देखिए फूल भी हैं, फल भी लगे हुए हैं, लेकिन भी फल काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए काफ़ी बड़े फल हो गए हैं, वैसे खाने लायक तो है नहीं, क्योंकि बिना पके अच्छा भी नहीं लगता, नॉर्मली लोग जब बढ़ जाता है तो सब्जी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका आकार जब बढ़ जाता है तब ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये आम के पौधे हैं, वैसे नॉर्मली इसको एक दो साल से रखा हुआ है, अब इसको अब ऐसे में लगा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया, अब ऐसे ही उखाड़ कर लगाने में
प्रॉब्लम हो सकता है, पता नहीं पकड़े या ना पकड़े, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए ये एक यहाँ है, ये मीठे आम का है, और एक वहाँ देख सकते हैं, एक दो यहाँ, चार चार आम के पौधे हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। और बाकी ये देखिए ये कि ये बहुत बड़ा पपीता का पेड़, देखिए इसमें भी फल लग रहे हैं। बाकी ये देख लीजिए, ये झमड़ा बनाया गया है, वैसे नेनुआ जो नॉर्मल जो सब्जी होती है उसकी खेती हो रही है। ये देखिए ये पूरा आप भी देख सकते हैं। बाकी दो पपीते के पेड़ यहाँ पर हैं, देख सकते हैं, देखिए इसमें फल लग गए हैं। ये क्या आप लोग देख सकते हैं नज़दीक से काफ़ी, ये यहाँ देखिए ये साइड में ये देख सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे ही में अच्छे से दिख भी नहीं पाएगा आप लोगों को। बैक कैमरा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग इसमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके पहले जो हम ब्लॉग बनाते थे, तो वो जहाँ हम रह रहे हैं तैयारी करने के लिए, तैयारी करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज, तो वहाँ से हम ब्लॉग बना रहे थे, वहाँ से मतलब जो क्षेत्र थे वो आपको दिखा रहे थे। बाकी कुछ दिन हम यहाँ गांव में रहने वाले हैं, तो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक यहाँ गांव की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अब आप लोग देख सकते हैं, चलिए दिखा रहे हैं ऐसे में, ये देखिए जूम कर दे रहे हैं, देखिए ये पपीते के पौधे हैं, इस पर देखिए फल लगे हुए हैं। अब ये आप देख सकते हैं पपीते का पौधा, या जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये पूरा आप झमड़ा देख सकते हैं जो वैसे बनाया गया है सब्जियों के लिए। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं, गन्ना भी बो रखा है थोड़ा है, बाकी थोड़ा और दूसरे जगह बो रखे हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप पूरा लोकेशन अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये देखिए मेरी झोपड़ी। वैसे यहाँ लाइट भी लगा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल है, फैन भी है, लाइट भी है। अब ये पूरा आप देख सकते हैं, और इधर भी देख सकते हैं, ये बोड़ा है, बोड़ा देख लीजिए। बाकी इधर ये देख लीजिए कद्दू, वही कोहड़ा। उधर सामने आपको बाजरी दिखाई दे रही होगी, बाजरी बोई हुई है जानवरों की चारा के लिए। ये देखिए ये क्या बोलते इसको, ये आंवला का वृक्ष है, ये देख लीजिए, ये तुलसी का वृक्ष है, तुलसी पौधा। बाकी देखिए ये मिर्चा है, इस शीतलता प्रदान करने वाले वृक्ष नीम का वृक्ष है, इसी के जस्ट नीचे झोपड़ी रखी हुई है। और काफ़ी ठंडा लगता है, क्योंकि नॉर्मली ये गांव के बाहर हम बनाए हैं, गांव वो आप लोग देख सकते हैं वहाँ काफ़ी दूर, को पूरा गांव का एरिया देख सकते हैं आप लोग। ये गांव से काफ़ी काफ़ी नहीं तो मतलब पर भी दूर है। ये देखिए बजड़ी, ये हमारी बजड़ी है जानवरों के लिए, देखिए कितनी हरी भरी है, ये पूरा आप भी देख सकते हैं मेरे का। वहाँ काफ़ी दूर पे वहाँ सई नदी है, और सेकंड लार्जेस्ट नदी है जौनपुर की, और वो देख सकते हैं आप, वो राजकीय विद्यालय है हाई स्कूल तक मेरे गांव का। और वैसे नॉर्मली इसमें गांव के ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं, वो देखिए वो कुछ बच्चे हैं जो कि ईटा ढो रहे हैं किचन बनवाने के लिए, वो आप भी वो देख सकते, वो मेरा बगीचा है पूरा, वो मेरा बगीचा आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक, ये पूरा व्यू आप देखिए। चलिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए मेरे फसल में, ये देखिए पूरा, ये पूरा उर्दी बो रखी है, उड़द की खेती, उड़द की दाल, पूरा पीछे तक देख सकते हैं, वहाँ जहाँ तक झोपड़ी नहीं दिख रही वहाँ तक पूरा उड़द की खेती है।
पीछे आप देख सकते हैं पूरा धान लगाया गया है, पूरा पीछे टोटल धान। यहाँ देखिए पूरा ईख, चलिए नज़दीक से दिखाते हैं आपको, रूबरू कराते हैं इस फसल से। ये देखिए ये पूरा ईख खेती गन्ना, और कुछ गन्ना वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग पीछे, वहाँ उधर भी। इधर का लोकेशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये पूरा व्यू देखिए आप, पूरा बाग बगीचा कितनी हरियाली है। ये नाम नीम के वृक्ष, ये देखिए बाथरूम बना हुआ है स्कूल का, राजकीय विद्यालय का, ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिकंदरा जौनपुर आप देख सकते हैं, ये पूरा देख सकते हैं व्यू आप। वैसे भी नॉर्मली इसका कंडीशन ऐसा ही इसलिए हुआ क्योंकि पिछले एक दो साल से इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई, और इस कारण से ये इतना साफ नहीं दिख रहा है। और प्रॉपर डेंटिंग पेंटिंग होते रहने से क्या रहता है कि अच्छा भी दिख रहा है, बाकी अंदर फिनिशिंग है इसके, अंदर अच्छा दिख रहा है, बाहर का ये देखिए पूरा। और वैसे बारिश भी हो रही थी, काई वाई पूरा लग गए इसमें। ये देखिए पूरा मेरे पीछे का लोकेशन, अब इधर जितना आप लोग पीछे जाएंगे उतना ढलान मिलेगा। इसका कारण ये है कि सामने नदी है, सामने जस्ट 1 किलोमीटर दूरी पर नदी मिलेगी, सही नदी। और यहाँ मेरे यहाँ क्या है कि जमीन समतल नहीं है, उच्चावच है। ये पूरा पीछे का एरिया आप देख सकते हैं, पूरा खेत, ये पूरा सामने बगीचा देख सकते हैं, बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ से देखिए आप लोग ये पूरा, पीछे पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ सई नदी में क्या है कि काफ़ी तिराई है, मतलब तिराई का मतलब ये है बाग बगीचे जस्ट उसके किनारे से लेकर के काफ़ी दूर तक पूरे आम के वृक्ष, मतलब तमाम प्रकार के पौधे उसमें आपको मिलेंगे। तो फिर हम अगले ब्लॉग में कोशिश करेंगे कि वहाँ जा करके हम उस एरिया को दिखाएंगे, नदी किनारे का माहौल, ओ पूरा वहाँ कैसा दिख रहा है, पूरा तटीय क्षेत्र हम आपको दिखाएंगे। बाकी दूर से तो ऐसे ही आपको रूबरू करा दे रहे हैं इस वीडियो में, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ एक बात ये कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में कोई भी इंसान हो तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो, अगर कमेंट करते रहेंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी वीडियो आप लोग प्रॉपर देखने को देंगे और ऐसा ऐसा ही ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग उससे विनम्र मतलब बार बार ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तभी हम ऐसे में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही नज़ारा आप लोग देख सकते हैं पूरा पीछे का। तो चलिए अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।